क्या कह रही है? मम्मी बोली एक तरफ पैर करके बैठो, गिरूंगी मैं पौधे को नीचे। राम राम आंटी जी, राम राम आंटी जी, राम राम जी। ये साड़ी ने, हाँ ये साड़ी तो समेड़ी है, अन्नू कर ले टांगा में दे ले, बस अब को नहीं आ। कोई बात ना, साथ यार रहने दे तू अपने। ये भगवान कट सी बैठ के रैक पे रख। बाहर की लाइट बंद करियो। हाँ लो जी, आज इनके स्कूल में है दिवाली का फंक्शन, का जो भी होता है दिवाली फंक्शन। और यहाँ बहुत सारा फैलावा इन्होंने फैलाया है, और ये इसने बना के रखे थे जो कि लेके जाने हैं, जिसके लिए चिल्ला रही है मेरे वो साथ ही है। बहुत कुछ फैला दिया इन्होंने। पानी की बोतल, पानी की बोतल लाओ। देवता का दर्शन हो जाए सुबह। भाई मानना तो देव नहीं मिट्टी को देव और के पड़ी। तो मैं चलाऊंगी आप सभी का वेलकम करते हैं एक नए वीडियो के साथ में। मैं आ चुकी हूँ मेरे ससुराल, और ये व्लॉग जो है ये मिला जुला व्लॉग मिलेगा एक बार फिर से आपको। तो यहाँ पर गांव आने के बाद में मैंने वीडियो शुरू किया। तो जी गुड मॉर्निंग, जय राम जी की नमस्कार। और यहाँ बन रही है बाजरे की रोटियाँ, हमारे यहाँ पे बाजरे की रोटी बननी शुरू हो चुकी। और मैं इसको सुबह से कह रही हूँ बेटा वीडियो शुरू कर ले, कल शाम को आए थे हम लोग, मेरे हो रही थी जुकाम, तो मैंने जुकाम के चक्कर में तबीयत थोड़ी डाउन थी, मैंने किया नहीं, लेकिन इस बहन जी ने भी नहीं किया। तो अब बाजरे की रोटी बनेगी, तो मैंने सोचा चलो शुरू करते हैं। हाँ मधुमक्खी खाएंगे। और काफ़ी दिनों के बाद मैं एक नया व्लॉग शुरू किया है। आज है 28, कल मेरा बर्थडे था 27। तो आज मैंने सोचा कि रेगुलर ब्लॉगिंग अब शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी भागम भाग लगी है पिछले दिनों में। पहले मैं मेरे भाई के चली गई थी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ पर कोई बेस्ट फ्रेंड है मेरी और उसके हस्बैंड इनके बेस्ट फ्रेंड हैं, हम लोग साथ में काम करते थे जब हरिद्वार में थे। तो उसके बेटी का यहाँ पर अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, उस चक्कर में हम लोग काफ़ी बिजी हो गए थे, सारी फैमिली साथ साथ ही थी, मतलब वो भी हम भी, तो इस चक्कर में रह गए। और फिर उसके बाद में हम चले गए गांव मेरे ससुराल, वहां जाके फिर वैसे बिजी हो गए, फिर मैंने ब्लॉगिंग की नहीं पिछले काफ़ी दिनों से। और मेरे साथ यही होता है जब फैमिली में या फिर अपने इस तरीके से कुछ भी होता है ना, चाहे वो बढ़िया फंक्शन हो या फिर ऐसे कोई ट्रेजडी हो, तो मैं ब्लॉगिंग मेरी छूट जाती है, मुझसे नहीं की जाती। जैसे घर में पेंट का काम हुआ था, तब घर में काम था, मेरे से ब्लॉगिंग नहीं हुई, तो ऐसा कुछ होता है। बाकी ब्लॉगर के जैसे मैं नहीं हूँ, बाकी ब्लॉगर्स होते हैं ऐसे टाइम पे ज़्यादा ब्लॉगिंग करते हैं, मैं नहीं हूँ, मैं मेरे से नहीं होती। तो ये साड़ी मैंने आज पहनी है, ये मैं लेके आई थी मेरे मायके से, और बाकी तीन चार मैंने फोल लगाने के लिए दे दी, दो तीन की लग गई थी वहाँ पर, वो मैं ले रख ली, और बाकी जिनके नहीं लगी वो मैंने लगाने के लिए दिए। टॉवेल्स मैंने सारे धो दिए, तो मैं मेरे पजामे से यहाँ पे सिर धो रही हूँ, सिर पोछ रही हूँ। मेरे से किसी दूसरे का टॉवेल यूज, मतलब टॉवेल होता ना वो यूज नहीं होता, मेरा मन नहीं मांगता, तो बस अपने पजामा जो है उसी से बाल पोछ लिए। पजामा क्या है, मैं पहनती नहीं हूँ, पैंट है कुर्ते के नीचे की, सिली हुई पैंट मेरे से काफ़ी कम पहनी जाती है, क्योंकि इनमें मियानी छोटी होती है। तो चलो अब बनाएंगे खाना, खाना नहीं बना है, खाना बना लेते हैं। और ये चूड़ा मेरी सासू माँ ने भेजा था मेरे लिए, तो मैंने आज पहन लिया, मैंने हिस्सा फिर पापा को दे दिया। ते ही मैंने डीप वाली क्लीनिंग किचन की दोबारा से की, सब्जियां धो के रखी हुई है अभी,
फ्रिज में सेट नहीं किया, ये सब कुछ मैंने धो के रखा था सुबह। फ्रिज भी आज साफ किया था, अब चालू किया है, चालू भी नहीं किया था। सब्जी वगैरह सेट करनी है, ये काफ़ी चीज़ें ऐसे ही रखी हुई हैं। धनिया की चटनी बनाने वाली तांबा में साफ कर सकते हैं ये इसको? नहीं, ऐसे ही होएगा, चांदी का है ये, इतना हो गया, वो काफ़ी है। ये मोड़ दिया था इन्होंने नारियल तोड़ते टाइम, अब तो ठीक है। और इसमें गर्म पानी हुआ था, देखो कैसी हालत हो गई इसकी। आज मैंने सब कुछ चमकाया था, टोटी वगैरह, खिड़की वगैरह साफ़ की थी, लेकिन एक खिड़की के बाहर की साइड पेंट जो है वो उतरा ही नहीं मेरे से, उधर सीढ़ी लगा के साफ करना पड़ेगा। खाना बनाते हैं, खाने में बनेगी गाजर की सब्जी। ये देखो जी, वो लेके आए गन। ना भाई, छोटा छोटा भी आ जाइए। हैं, तेरे वाली चलती तो नहीं है? पहले वो लेके आए, फिर हैं हम लोग। हाँ, हम लोग लेके आए दिवाली का सामान और इसमें रंगोली के कलर कौन मेरे पास पहले से है। तो सामान सारा अनबॉक्स करते हैं। ये तो निकाल के, इनका मतलब का जो था ना वो इन्होंने निकाल लिया, अब जो इनके काम की चीज नहीं है ना वो सारी छोड़ दी, अभी मम्मी निकालेंगे। हाँ, जाओ एक ओरिजिनल पिस्तौल लाके और जब मिलने लगा टक, बहुत जल्दी हाँ, हम लड्डू की ड्रेस भी लाए थे अंदर से की हैंडसम नहीं हैंडसम हैंडसम और मम्मी सब्जियां भी लाई हैं। किस किस की देखी हुई है अंदर? कौन सी? वो कौन सी रहती है? खिचड़ी 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 फिल्म में फिल्म के अंदर बताते हैं वो। अच्छा, तो ये बताइए कि हैंडसम का मतलब क्या होता है? हैंडसम का मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो पुलिस वालों ने उसको क्यों, किसके बारे में कहा? पुलिस को हैंडसम क्यों कहा? बोले नहीं, इसने उसने कहा था हैंडसम हैंडसम, बोले नहीं हो ही नहीं सकता, हैंडसम कहा था। तो वही बात है, शिवांश का भी हैंडसम ही भाई। शिवांश को हरी प्याज बहुत अच्छी लगती है खाना खाने के साथ में, इसलिए मैं बहुत सारी लेके आई। दोनों बच्चे हरी प्याज अब देखो, हरी प्याज एक मूली, अब सर्दियों में सब्जियां बहुत आ जाएंगी। और एक है मेरे लड्डू के लिए, लड्डू में जरा और मेरे लिए पापड़ काट लेना, एक पापड़ से करना सेकाना सेकाना मेरे को। मैं मेरे लड्डू के लिए ये दो ड्रेस लेके आई हूँ दिवाली की, हैवी में एक हल्की, उसके पास पहले ही ले आए थे तो ये दो हैवी में ले आए, एक छोटी दिवाली एक बड़ी दिवाली, ऐसे सोच रही थी। ये जो है ये हमारी एक दिवाली की, ये वाली तो ये हम दोनों की ड्रेस से भी मैच कर रही है। इन दोनों के भी कपड़े लेके आए थे, मैं दिखाऊं आपको। बड़ी वाली लाइट चला लो एक बार के लिए। तो मम्मा ये गेट बंद करे, इतनी देर में मैं आपको ये दिखा दूँ। देखो अभी बंद हो गया, नहीं बोल रहा मेरे से। ये देखो मम्मी मेरे से खुल ही नहीं रहा, आप खोलो ना। ये खुल गया क्या? गया दो तो लड्डू जी की ड्रेस है, पास आके दिखा एक बार हमारे लड्डू की। ये देखो कितनी प्यारी है ना, रियल लड्डू गोपाल को पहनाऊंगी तब दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और 20-20 रुपए में हमारे ये मिल गई थी, एक 20 की है। ये देखो दो, और ये भी है। दो इस कलर की, ठीक है। एक ये वाली छोटी है, वो पिछली बार लाए थे वो बड़ी थी इससे। नहीं मैंने आपके देखे दो तीन जगह पहले देख के, बहुत सा ज्यादा शहर पत्ती दिखाती है तेरी मम्मी, दो तीन जगह पे चेक करके फिर ले ली होंगी। ये एक में दो तीन कम है, मत कर। ये देखो ये यहाँ से मैंने छोटी बड़ी पकड़ रखी है, एक ये, ये अब मैं कल ही मंदिर डेकोरेट कर दूंगी। रेड वाली जो है वो चार ली है, क्योंकि दो जो येलो है वो हमारे पास पहले से हैं। रेड वाली हमने चार ले ली। अब ये देखो कॉम्बिनेशन हो गया, येलो रेड और ये ग्रीन। आपके यहाँ पे ये किस रेंज में आ रही है बताना? हमारे यहाँ पे 20-20 रुपीज की है, और भी बहुत सारी चीज में कलर डिजाइन लेके मैंने ली है। तो मेरे बच्चों के कपड़े आ चुके हैं,
और लड्डू के कपड़े आ चुके, मेरे भी आ चुके, पापा भी गए, पापा लेके नहीं आ रहे। पापा की किस्मत में ही नहीं है, उस दिन कुर्ते लेने जा रहे थे। अंदर ही है। ये तो शर्ट है, ठीक है। शिवांश पेटी में मेरी ड्रेस पड़ी है, क्या टी-शर्ट पहन रखी है, वो है, लेके आ जा तू अंदर से। ये मेरी भी है, देखो देखो मेरे में। एक नैनी की फुल स्लीव टी-शर्ट कर लेके, थार तो भाई ये पुरानी। एक शिवांश की पैंट जो है, इसके लिए इलास्टिक की लेनी पड़ती है, क्योंकि इसकी पैंट की जो कमर है ना, जो मेरे को पसंद आती है उनकी कमर जो है ना वो ढीली रहती है, फिर वो फिटिंग करवानी पड़े, इसलिए फिर ये वाली ली। ये नैनी ने लिया है, ये पैंट पापा की, वो पहला पहला जमाना की बेल बॉटम। हम जब छोटे थे ना उस टाइम पे ऐसी पैंट चलती थी खुली खुली, फिर बंद हो गई थी, अब ये दोबारा से आ गई। अब इनका नाम कार्गो, पता नहीं क्या नाम रखा है, मैंने कार्गो बताया इसको, मुझे तो हमारे टाइम पे कार्गो ही बोलते थे। ये इसका टॉप है, कॉटन है, तो ये कॉटन नहीं है शायद, ये कुछ और ही फैब्रिक है, लेकिन है सॉफ्ट। तो ये बच्चों के कपड़े, तो फाइनली मैं आपको बताऊं तो हमारे, ये देखो अब एक चीज़ देखना आप, मेरे तीनों जो बच्चे हैं ना, इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखो, जो इनकी दिवाली वाली ड्रेस है ना वो सेम सेम है, दिख गया। तो मैं आप लोगों के पास है ना, लेकिन ऐसे कलर की पहन ऐसे कलर की है, हाँ पहन नहीं रही, मैं पहनूंगी कुर्ता। हाँ आपके पास भी कुर्ता है ऐसे कलर का, ऐसे कौन सा है, वो ब्लू ब्लू से डॉट 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 डॉट। हम वो पहन नहीं रहे, हम हमारी मैचिंग की पहनेंगे, बच्चे अलग मैचिंग की पहनेंगे। तो जी मैं क्या कह रही थी कि आज मैंने सोचा चलो आज से वीडियो शुरू कर रहे हैं दोबारा से, पहले सबसे पहले शुरुआत दिवाली की तैयारियों से करते हैं। कल मंदिर को डेकोरेट करेंगे, तो मंदिर डेकोरेशन का वीडियो भी कल आपके पास आ जाएगा। और ये वाली ड्रेस मेरे को यार बहुत अच्छी लग रही है, सिवा स्टोर मत कर, इसमें फिनिशिंग बहुत है, दोनों ही अच्छी हैं। तो अभी के लिए खाना बनाने के लिए अंदर मैं जा रही हूँ, नैनी ये थैली में डाल दे, दोबारा सुबह निकालेंगे। और साफ सफाई का काम जो भी था वो सारा पूरा हो चुका था, अब मेरे को बस खाना बनाना है, फिर उसके बाद में कल की तैयारियों में जुट जाना है। सुना सुन गया, बहुत अच्छा। और हाँ कल धनतेरस है, और मेरे किचन का हाल कुछ ऐसा है, सिवा टिक जा, ये सामान निकाल लेती हूँ मैं सारा। और हाँ ये वीडियो मैं अभी अपलोड लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी वीडियो जो है ना ऐसे चल रहे हैं, ऊपर नीचे कभी गया कभी नहीं गया, तो मैंने सोचा ये वीडियो अपलोड लगा के कल जो है वो प्रॉपर मेरे व्लॉग्स आने शुरू हो जाएं, ठीक है। ये तो दिखाओ। हाँ ये तो मैंने दिखाया नहीं, ये देखना ये जब हम छोटे होते थे ना, जब मेले में से लेके आते थे, ये शिवांश के लिए गाड़ी लेके आया एक, ये हम छोटे होते थे जब मेले में से लेके आते थे। चलो ठीक है, इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे।